रुचित जैन भी हमारे साथ जुड़ गए। रुचित गुड मॉर्निंग, बताइए आपके ट्रेड्स क्या है। जी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, मेरे दो ट्रेड्स है, एक बायो और एक सेल साइड। सेल साइड नो डाउट आईटी के सेक्टर से है, क्योंकि वहीं पे आज सबसे ज्यादा वीकनेस है, और विद इन द आईटी स्पेस कोफोज में शॉर्टिंग करी सलाह रहेगी। सो देखेंगे तो आईटी एज अ सेक्टर आज हम डाउन मूव देख रहे हैं, बट कोफोज ऑलरेडी लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन से काफी सेलिंग प्रेशर है। और हम यूजुअली ऐसे देखते हैं कि जो स्टॉक विद इन द सेक्टर पहले ही वीकनेस दिखा देता है, और फिर जब वो पूरे सेक्टर में करेक्शन होते हैं तो उसमें नो सेलिंग सबसे ज्यादा रहती है और अंडर परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो कोफोज करंट लेवल्स पे सेल करें, 5050 के ऊपर स्टॉप लॉस रखे, 4830 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैक्स फाइनेंशियल्स में खरीदारी की सलाह रहेगी कि जहां पे रिलेटिवली लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन से अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है इन स्पाइट ऑफ फॉलिंग मार्केट, तो वहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा बेटर है। तो मैक्स फाइनेंशियल्स खरीदारी करें करंट लेवल्स पे, 850 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे, 890 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। 90 का टारगेट आप दे रहे हैं मैक्स फाइनेंशियल पर बाय साइड का ट्रेड और कोफोर्ज में सेल साइड का ट्रेड। एंड एज लक वुड हैव इट, मैक्स फाइनेंशियल तो आशीष भेती का आज का क्विक सिंगल में पहला ट्रेड भी था और वहां पर हमने देखा है नियरली 1% के गेन्स बने हैं। तो अब भेती जी बताइए आपका नया ट्रेड आपने क्या स्पॉट किया है, क्या कर रहे हैं तेजी मंदी? जी हर्षदा मैम, एक तेजी और एक मंदी का ट्रेड रहेगा। तेजी में एक्सिस बैंक हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, गुरु जी ने स्पॉट किया था, और एक अच्छा स्टॉक में रेजिलियंस देखने मिल रहा है। 9:30 एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह स्टॉक पेयर हो रहा है इसमें, और जिस हिसाब से स्टॉक में बैंक निफ्टी में गिरावट है, लेकिन एक्सिस में फिर भी उस लेवल में गिरावट नहीं, इनफैक्ट बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो 9:30 का ही स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 4950 के टारगेट के लिए। दूसरा जो ट्रेड है वो विप्रो में सेल कॉल है। स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है, 20 डेमा अप्रोच कर रहा है, और हमें लगता है कि इसके बियॉन्ड इसमें एक अच्छी गिरावट देखने मिल सकती है। तो 413 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि इसमें 404 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, विप्रो आपके स्क्रीन पे सेल कॉल है। प्रशांत आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? जी वीरू जी, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट कॉल होगा। मेरा लॉन्ग कॉल होगा टाटा मोटर्स पे। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा स्पॉट 604, 604 जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 630, 630 तक के देख रहा हूँ। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग पैटर्न, और एक जो इसने बीच में थोड़ा वीकनेस दिखाया था प्रीवियस ऑल टाइम हाई के वापस नीचे आके फिर से इसने इसके ऊपर सस्टेन किया हुआ है, तो मुझे लग रहा है ये स्ट्रेंथ इनहेरेंट है और 630 तक ये जा सकता है। नेक्स्ट पिक मेरा होगा एक स्टॉक जो रैली किया हुआ है, रेजिस्टेंस पे आया है, वो M&M। यहाँ पे शॉर्ट रिकमेंड करूंगा, स्टॉप लॉस होगा 1586, 1586, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 1520, 1520 तक के। ये मेरे को थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा, आप कह रहे टाटा मोटर्स बाय और M&M सेल रहेगा। M&M काफी भाग चुका है इसीलिए अब आपको लग रहा है थोड़ा सा फंसेगा। प्रशांत जी, हर्षा जी, ये एक बहुत अहम रेजिस्टेंस जो इसका था, अगर हम इसका हाई देखें कुछ दिनों पहले वो 1580, फिर पिक्चर परफेक्ट बना हुआ है, और ये इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल है, तो रिस्क बहुत छोटी है, और ओवरऑल मार्केट में वीकनेस नजर आ रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से ये स्टॉक अगर वीकनेस दिखा है तो बहुत कंफर्टेबली हमें 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड मिल सकते हैं, और ये एक डिप होगी 20 दिनों के एवरेज पे जो मैंने टारगेट दिया 1520, तो वो हिसाब से ये ट्रेड मैंने प्लान किया हुआ है। फेयर इनफ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।